आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हमारा प्रश्न है, बिंदु 1, 2, 3 से तल 2x - y (z)(3) = 0 पर डाले गए लंब का पाद है। देखिए, समीकरण कहने का मतलब है, मान लेते हैं ये कोई समतल का समतल है, ठीक, और ये कोई रेखा है जिसका निर्देशांक 1, 2, 3 है। ये बिंदु P से इस पे लंब डाला गया है, ये मान लेते हैं Q है, और इस समतल का समीकरण है 2x - y (z)(-3), ठीक, ये है। तो कह रहा है इस लंब के जो लंब डाला गया है इसका पाद हमें बताइए कि कितना होगा। ठीक, देखिए जो भी बिंदु होगा इसका पाद वो समीकरण इस समतल पे होगा, इस समतल के समीकरण को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। ठीक, तो चलिए देखेंगे, अगर हम बारी बारी इन चारों विकल्पों को उठा के रखेंगे तो ये जो चौथा विकल्प हम इसमें रखेंगे तो देखते हैं क्या प्राप्त होता है। -1, 4, 3 समतल में रखने, समतल के समीकरण में रखने, समीकरण में रखने पर, ठीक, ये क्या होगा, x की जगह -1, 2, -1, -y की जगह 4, z की जगह 3 और -3, यहाँ से देखिए हो जाएगा -2, -4, -3, -3, देखिए 4, 2, 6 यहाँ से आ गया -3, -3, 1, 1, यही एक विकल्प है जो समीकरण को संतुष्ट कर रहा है, अतः यही बिंदु क्या होगा, लंब का पाद होगा। धन्यवाद दोस्तों, मिला जाएगा अगले। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।